वेलकम स्टूडेंट ऑफिसलेस क्लास 5 नाउ ओपन योर नोटबुक एंड बुक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 32 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 7 to 11 आज हमने सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 76 persons can complete the job in 42 days. In how many days will 56 persons डू द सेम जॉब. अब सेम जॉब जब भी क्वेश्चन में सेम का वर्ड यूज हो जाए तो इट्स मीन आपने यहाँ पे क्या करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शंस ठीक है मेथड यूज़ करना है. अब देखो यहाँ पे 76 पर्सन है और जॉब उन्होंने कंप्लीट कब की है, 42 डेज में. अब हमारे पास 56 पर्सन रह गए हैं तो अब वो अपनी जॉब को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे. तो मतलब हमारे पास डेज इंक्रीज हो जाएंगे ना, क्योंकि पर्सन हमारे पास डिक्रीज हो गए हैं इसलिए हमारे पास क्या होगा, डेज इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है तो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आप नोटबुक ओपन करें. पर्सन्स डेज, पर्सन्स कितने हैं, 76 पर्सन हैं और डेज क्या है हमारे पास, 42. फिर क्या है, पर्सन हमारे पास 56 पर्सन है, डेज क्या है हमारे पास, एक्स फाइंड करना है. x over 42 is equal to 76 by 56. x is equal to 42 के साइड पे लेके जाके मल्टीप्लाई करेंगे. 76 मल्टीप्लाई 42 इसको हमने क्या किया है, 7 की टेबल पे डिवाइड किया है. 76 आर 42 एंड 78 आर 56. x मल्टीप्लाई 76 मल्टीप्लाई 6 ओवर 8. 76 को मल्टीप्लाई किया हमने 6 से तो क्या आ गया, 456 ओवर 8. ठीक है अब इसे हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 57 डेज. क्वेश्चंस को देख लें, आपने अपनी कॉपी पे इसको राइट करना है, क्वेश्चन मस्ट लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 8. इन अ कैम्प देयर इज़ फूड फॉर 400 पर्सन्स फॉर 23 डेज. इफ 60 मोर पर्सन ज्वाइन द कैम्प फाइंड द नंबर ऑफ डेज द प्रोविजन विल लॉस्ट. ठीक है अब हमारे पास कैंप में कितने आदमी हैं, 400 आदमी हैं. ठीक है शख्स हैं, बंदे हैं हमारे पास. डेज कितने यूज़ हुए हैं, 23 डेज का खाना पड़ा हुआ है. अब 60 मोर मतलब 400 में 60 ऐड हो गए हैं पर्सन, 400 में 60 पर्सन्स ऐड हो गए हैं तो मतलब क्या हो गया, 460 पर्सन हो गए, उन्होंने कैंप को ज्वाइन किया. फाइंड द नंबर ऑफ डेज, अब कितने डेज का खाना हमारे पास पड़ा है रहेगा. तो देखो पर्सन्स पहले 400 थे और डेज कितने थे, 23. अब हमारे पास 60 ऐड हो गए मोर तो क्या होगा, 460 पर्सन हो गए और डेज हमने फाइंड करना है. तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, एक एरो नीचे की तरफ होगा इसकी साइड हो, एक ऊपर की तरफ साइड लेंगे. एक्स ओवर 23, 400 ओवर 460. 460 मल्टीप्लाई 23 इक्वल की दूसरी साइड भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास कितने डेज आ गए, 20 डेज. ठीक है ये 0 0 से कैंसिल आउट हो गया. अब देखो 23 वंस आर 23 टूज आर 46. तो 40 by 2 को 40 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया, 20. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है. द फ्रेट फॉर 75 क्विंटल्स ऑफ गुड्स इज रुपीज़ 375. फाइंड द फ्रेट फॉर 42 क्विंटल्स. ठीक है अब हमारे पास क्या है, फ्रेट होता है माल बरदार. ठीक है कोई भी चीज़ जब एशिया के को बेचने जाते हैं या पूरा उसका जो होता है उसे क्या बोलते हैं, माल बरदार. क्विंटल्स भी एक क्वांटिटी है जिससे हम मेजर करते हैं. ठीक है जिस तरह अब हमारे पास लीटर होता है, ठीक है लीटर्स में हम चीज़ लेते हैं, केजी में चीज़ लेते हैं, इसी तरह क्विंटल्स भी एक ऐसी क्वांटिटी है. 75 क्विंटल्स हैं और रुपीज़ क्या है, 375. अब हमारे पास क्विंटल्स कितने हो गए, 42 क्विंटल्स हो गए तो रुपीज़ क्या होगी, फाइंड करना है. तो अब मतलब क्या है हमारे पास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि चीज़ एक चीज़ ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है, एक चीज़ कम हो रही है इट्स मीन उसकी वैल्यू भी कम होगी. 75 क्विंटल्स एंड रुपीज़ लिख लिए, क्विंटल्स है 75, रुपीज़ 375 है, फिर क्विंटल्स 42 हो गए और रुपीज़ क्या है, एक्स है. ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शन के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. कैसे सॉल्व किया, 42 ओवर 75 मल्टीप्लाई 375, इसे हमने 5 पे डिवाइड करते हैं. 5 पे डिवाइड कैसे किया, 5 वंस आर 5 एंड 2 टाइम 5 5s आर 15. क्या हो रहा है, ठीक है 75 को 5 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया,
सेवन फाइव वन ज़ार फाइव, यहाँ पे टू रिमाइंडर था, टू एंड फाइव के आगे 25, तो फाइव फाइव ज़ार 25, फाइव अब इस पर डिवाइड किया तो फाइव थ्री फाइव सेवन ज़ार 35 एंड फाइव फाइव ज़ार 25, फिर क्या किया हमने, फाइव थ्री ज़ार 15 एंड फाइव वन ज़ार फाइव एंड फाइव फाइव ज़ार 15, ठीक है 25, तो क्या आ गया यहाँ पे 15 एंड 3 आ गया, 3 वन ज़ार 3, 3 फाइव ज़ार 15, बजाय छोटे छोटे टेबल पे डिवाइड करेंगे आप इसे डायरेक्टली 75 पे भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली आपके लिए पास थोड़ा छोटे छोटे टेबल्स पे इसे डिवाइड किया है जो ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। एक्स इजिकल टू 42 मल्टीप्लाई 5, तो जब इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, 210 आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया है 210। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कार ट्रेवल्स 2228 किलोमीटर इन 3 आवर्स, ए फाइंड करना है इसके हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 912 किलोमीटर। अब एक कार है वो ट्रेवल कर रहा है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 228 किलोमीटर 3 घंटे में, ठीक है। अब 912 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है और टाइम क्या है ये नहीं मालूम, फाइंड करना है, तो देखते हैं 228 3 आवर्स, ठीक है, एंड 912 एक्स फाइंड करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन की तरफ सॉल्व करेंगे तो कितने आ गए आवर्स, 12 आवर्स आ गए, कितने आवर्स आ गए, 12 आवर्स आ गए। नेक्स्ट है, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 7 आवर्स, ठीक है, अब हमने 7 आवर्स में इसकी फाइंड करना है, वैल्यू 228 बता दी गई है ना, एंड 3 आवर्स वो पहले वैसे ही लिखेंगे 228 एंड 3 आवर्स, और फाइंड क्या करना है, 7 आवर्स इसके दिए गए हैं और हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन के थ्रू से सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 532। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, द वेट ऑफ 56 बुक्स इज 7 केजी, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 90 सच बुक्स, बुक्स की वेट क्या है 7 केजी है, कितने बुक्स हैं 56, अब वेट्स क्या है, वेट हमारे पास फाइंड करना है और बुक्स कितनी है 90, बुक ज़्यादा होगी तो मतलब वेट भी ज़्यादा होगा, इसलिए हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ गया 11.25 kg। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट हमें सॉल्व करना है, हाउ मैनी सच बुक्स वेट 7.5 kg, अब इसका वेट क्या है 7.5 kg है और फाइंड क्या करना है, हमने बुक्स फाइंड करनी है, 56 बुक की वैल्यू क्या है 7 kg है, ठीक है, और हमने अब इसका फाइंड क्या करना है 7.5 kg की बुक्स का वेट फाइंड करना है, तो क्या आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो 60 बुक्स आ गए, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, इसको देख लें आपने अपनी कॉपीज पे सॉल्व करना है, फिर 9 एंड 10 है, इसका बी पार्ट, 10 क्वेश्चन का बी पार्ट, 11 का ए पार्ट, ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।